सीक्रेट रूम जरूर यही कहीं होगा। मुझे ढूंढना होगा। ओह, मुझे मिल गया। ये तो एक हिडन डोर है। चलो देखते हैं अंदर क्या है। वाह, यहाँ बहुत सारा शानदार सामान है। कोई आ रहा है। पिक्चर अपनी जगह पर लग गई है। टेबल पेंट हो चुका है। वो रेनोवेशन कर रहे हैं। वाह, चेयर भी तैयार है। चलो थोड़ी लाइटिंग ऐड करते हैं। बहुत बेहतर है। हमारा सीक्रेट रूम तैयार है। हे दोस्तों, क्या ये तुम्हारी बहन है? बिल्कुल नहीं। चलो उसे यहाँ रहने देते हैं। बस अगर तुम इसकी जिम्मेदारी लेती हो तो। ये मैं सीक्रेट रूम में रह सकती हूँ। ये जगह बहुत बढ़िया है। ये कैसा बटन है? ओप्स, माफ करना, ये बोर्ड गेम की तरह लग रहा है। खेलना चाहोगी? चलो अपने कैरेक्टर्स चुनते हैं। मैं वैम्पायर बनूंगा। मरमेड, मिस जुलाई, मिस सर्कल, मैं जॉय को चुनती हूँ। चलो अपने पीसेस को स्टार्टिंग लाइन में रखते हैं। तैयार हो? मैं पहले चल रहा हूँ। चलो गेम को शुरू करते हैं। सबसे अच्छा प्लेयर ही जीते। हम कहाँ हैं? कितना शानदार हाथ है। मैं रोबोट की तरह हिल रही हूँ। क्या पिंक मुझ पर सूट कर रहा है? ये केक अजीब है। रुको, मेरी सिस्टर कहाँ है? दोस्तों, मैं यहाँ हूँ। मुझे बचाओ। इतनी जल्दी नहीं, खेल सिर्फ अभी शुरू हुआ है। बेवकूफ, मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। इधर आओ। ओप्स, वाह, तुम बहुत खतरनाक हो। सही कहा, मैं टेल के बारे में बिल्कुल भूल गई थी। मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। जॉय को आजाद करवाने के लिए तुम्हें मेरी गेम खेलनी होगी। लगता है हमारे पास अब कोई चारा नहीं है। इस गेम के रूल्स क्या हैं? सबसे पहले तुम्हें एक डाइस की जरूरत है। पकड़ो। वाह, ये तो बहुत बड़ी है। ठीक है, चलो रूल समझते हैं। क्वेश्चन मार्क्स फेस पर तुम्हें एक चैलेंज मिलेगा। किस तरह का? इस फॉर्च्यून के व्हील से। और अगर तुम सी पर आते हो तुम्हें एक अच्छा और बुरा चांस मिलेगा। ये बिल्कुल गैम्बल की तरह है। यहाँ खाली जगह भी है। बिल्कुल आसान है। मुझे रूल समझ आ गए हैं। बस यही था। गुड लक, आखिरी में मिलते हैं। हमें फैसला करना होगा पहले कौन जाएगा। सही कहा, रॉक पेपर सीजर्स। रॉक ने सीजर्स और सर्कल्स को हरा दिया। मैं पहले जाऊंगा। पीछे हटो, मैं जा रहा हूँ। मुझे क्या मिला? दो। मुझे जाने दो, मैं जीत के करीब हूँ। क्या? एक चांस पेस। अच्छी शुरुआत है। चलो देखते हैं तुम्हें क्या मिलता है। तुम पहली बार के लिए जेल जा रहे हो। कौन सी जेल? मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हे, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। कितनी बुरी किस्मत है। अगली बारी मेरी है। मुझे उम्मीद है मेरा बड़ा नंबर आएगा। पाँच, बढ़िया है। चलो चलते हैं। मेरा स्पेस कहाँ है? ये खाली है। मैं सेफ हूँ। मैं इस गेम को जीतूंगी। चलो शुरू करते हैं। सिर्फ दो पॉइंट्स। ओह खैर, मैं कुछ नहीं कर सकती। एक चांस स्पेस। ठीक है, अपने चेस्ट को खोलो। ये लो, इसमें क्या है? अपने आगे वाले से अपनी जगह बदल लो। तुम्हें ये करना होगा। हट जाओ। लेकिन ये सही नहीं है। वाह, अच्छी किस्मत है। इस गेम को कौन जीतेगा? मैं, मिस डिलाइट, मिस सर्कल या फिर वैम्पायर? अब मेरी बारी है। तीन पॉइंट्स। मुझे तीन कदम आगे बढ़ना है। फिर मैं थक गई। ओप्स, माफ करना, ये जगह सेफ है। वैम्पायर क्या कर रहा है? हाँ, मुझे याद है, मैं अपनी बारी को छोड़ रहा हूँ। चलो दूसरे राउंड को शुरू करते हैं। मैं शुरू कर रही हूँ। समझ गई, मुझे दो स्टेप आगे जाना है। मैं सातवें स्पेस पर हूँ। इस पर क्वेश्चन मार्क है। फॉर्च्यून व्हील को स्पिन करने का समय आ गया है। तुम्हें रोबोट डांस करना है। इसका क्या मतलब है? मुझे समझ नहीं आया। मुझे क्या करना है? चलो डांस करो, मैं तुम्हारे लिए माहौल बनाता हूँ। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। मैं अच्छी डांसर नहीं हूँ, लेकिन ट्राई करती हूँ।
और मेरा सिग्नेचर मूव, ब्रो का नाम मेरा हो गया। हमारे जजेस का क्या कहना है? हाँ, बढ़िया, शानदार है। तीनों को डांस पसंद आया, ये मजेदार था। चलो डांस, मुझे निराश मत करना। बढ़िया है, मैक्सिमम पॉइंट्स। मैं सिक्स फेस पर जा सकती हूँ। माफ करना, ये रही मेरी जगह। मैं तैयार हूँ, अपने व्हील को स्पिन करो। मैं वही कर रहा हूँ। चलो तुम्हारी किस्मत को चेक करते हैं। तुम्हें ग्लोइंग शार मिला है। ये क्या है? तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। मजे करो, मैं तैयार हूँ। दर्द होता है, रुको, मुझे चोट लग गई। मुझे मेरी सिस्टर को बचाना होगा। डाइस, मेरी मदद करो। तीन पॉइंट्स। ये मैं आठवीं जगह पर आ गई। सुनिए जरा, क्वेश्चन मार्क स्पेस। व्हील को स्पिन करने का समय आ गया है। तुमने सही कहा, शुरू करते हैं। बधाई हो, तुम्हें एक प्रोपेलर भी नहीं हैट मिलती है। मुझे यही चाहिए थी। मैं इसकी मदद से उड़कर चली जाऊंगी। क्या वो फिनिश लाइन तक उड़कर जाने की सोच रही है? देखो, बुरी तरह से गिरी। कैसे गिरी है? मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे लगता है मुझे हैट के साथ उड़ने के तरीकों को सीखना चाहिए। मेरे फैंग्स अच्छे से शार्प होने चाहिए। आखिरकार मेरी बारी। मैं स्पेस नंबर दो पर था। चलो शुरू करें। अच्छा नंबर है, सिक्स पॉइंट्स। रास्ते से हटो, चैंप आ रहा है। दूर हटो, अब आठवां स्पेस मेरा है। एक क्वेश्चन मार्क, फिर से नहीं। चिंता मत करो, इस बार तुम्हें जेल नहीं जाना, लेकिन तुम्हें अब ब्लाइंड माउस मिल सकता है। ये किस तरह का नाम है? हिलो मत, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम क्या कर रहे हो? मुझे कुछ दिख नहीं रहा। तुम्हें माउस ट्रैप से बचकर इस जगह को पार करना है। क्या टास्क है? मैं जेल में ही ठीक था। मेरी उंगलियां, बेचारा, क्या उसने पार कर लिया? बढ़िया है, बहुत अच्छे फैंग बॉय, तुमने चैलेंज को पार कर लिया। लेकिन अब मेरे लेग्स में बहुत दर्द हो रहा है। थोड़ा ब्रेक ले लो, अब मैं जाऊंगी। दो पॉइंट्स, कम है, लेकिन स्पेस नंबर नाइन पर कोई सरप्राइजेस नहीं है। मैं यहाँ सेफ हूँ। डाइस को घुमाने का काम मुझ पर छोड़ दो। बढ़िया है, मिस सर्कल दसवें स्पेस पर पहुँच गई। अपना कार्ड निकालो, दो स्पेसेस पीछे जाओ। हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या बकवास है? लूजर, यहाँ मत आओ। दूर हटो, मोटी कहीं की। आउट, मेरी टेल पर मत चढ़ो। मुझे यहाँ से हटना होगा। गुड बाय। ग्यारहवें स्पेस पर सब्सक्रिप्शन है। दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो भी डाइस, मुझे छह पॉइंट्स चाहिए। चार इतना बुरा भी नहीं है। मैं बारहवें स्पेस पर पहुंच गया। ओ नहीं, फॉर्चून व्हील नहीं चाहिए। उदास मत हो, मजेदार सरप्राइज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं म्यूजिकल मंकी को बुलाता हूँ। क्या मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है? हाय, तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लिए कैंबल्स बजाऊं? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। ये मजेदार है ना? मुझे ये मंकी पसंद आया। आउच, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये मजेदार था, फिर मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं वैम्पायर के साथ पहुंच गई। नंबर 12। व्हील को स्पिन करो। अभी भी कई सरप्राइजेस बाकी हैं। तुम्हें मिलता है कैमरामैन पंच। अब हमारा ऑपरेटर तुम्हें ज्वाइन करेगा। मुझे भूख लगी है। तुम्हारा मतलब मैं? ठीक है, मैं तैयार हूँ। ये गेम का पार्ट है। ये लो, सिक्स किड्स। मेरा हेयर स्टाइल, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं वापस जा रहा हूँ, मैं सब बर्बाद कर दूंगी। मैं पीछे रह गई हूँ, मुझे आगे जाना होगा। दो पॉइंट, मैं टेन स्पेस पर पहुँच गई। उम्मीद है मुझे कुछ अच्छा मिलेगा। तुम्हें अपने आगे वाले से जगह बदलनी है। बदलो, क्या किस्मत है। पीछे आओ, मर्मेड, क्या वो स्पेस अब मेरा है? कितनी बुरी है, मैं तुम्हें देख लूंगी। मैं पंद्रहवें स्पेस पर जा रही हूँ। ये क्या है?
ये एक वाटर गन है। तुम किसी भी प्लेयर को शूट कर सकती हो। मुझे ये पसंद आया। पानी मेरे लिए खतरनाक है। मैंने अपना टारगेट चुन लिया है। ये मेरी टेल है। ओ, मैंने पानी को कितना याद किया। इसे खेलने के लिए किसने बुलाया? हम बस जीतने ही वाले हैं। 2 पॉइंट्स। मैं 14 स्पेस पर जा रहा हूँ। 1 चांस स्पेस। अब आगे पता नहीं क्या होने वाला है। चलो हमारे वैम्पायर के लिए एक कार्ड देखते हैं। जिसको जेल भेजना चाहते हो उसे चुनो। ये टास्क मुझे पसंद आया। मिस डिलाइट को मैं ही क्यों? फैसला हो गया है। मिस डिलाइट जेल जा रही है। मुझे लॉयर चाहिए। ब्रेक का मजा लो। मैं ही इसे जीतूंगी। सिर्फ 4 पॉइंट। मुझे कुछ करना चाहिए। जब तक कोई नहीं देख रहा मैं और डॉट बना देती हूँ। अब बेहतर है। ऐसा नहीं चलेगा। ये चीटिंग है। तुम्हारे 4 पॉइंट्स बचे हैं। ठीक है, शायद अब मैं 15वें स्पेस पर मरमेड के साथ हूँ। तुम फिर से आ गई। जीत के बहुत करीब है। मुझे 1 के अलावा कोई भी नंबर चलेगा। बस 1 नहीं, बस 1 नहीं, बस 1 नहीं। प्लीज। नहीं, ये सही नहीं है। ये दुनिया कितनी बुरी है। उप्स, अफसोस की बात है। अब मुझे फिर से शुरू करना होगा। हमें तुम्हारी याद आएगी। मुझे भी। इस गेम को खत्म करने का समय आ गया है। 3 पॉइंट्स। मैं जीत गया। मैं सबसे आगे हूँ। 1, 2, 3। मैं जीतने वाला हूँ। ये क्या है? जीत कर खुशी हुई? बहुत बढ़िया है। मैं आजाद हो गई। तुमने मुझे बचा लिया। मुझे गले मिलना पसंद नहीं है। जॉय वापस आ गई। हमने कर दिखाया। सिस्टर, हमने अच्छा काम किया। चिपकना बंद करो। घर जाने का समय हो गया है। ये क्या था? मुझे पसंद आया। मुझे मेरी आम वापस मिल गई। एडवेंचर अभी खत्म नहीं हुआ है। घर वापस आ गए। उप्स। वाह, मैं कहाँ हूँ? कितना शानदार है। हाँ। वाह, क्या तुम कैंडी प्रिंसेस हो? हाँ, मैं डिजिटल सर्कस की नई शानदार कैरेक्टर हूँ। मैं तो भूल ही गई थी कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। देखो, क्या तुम पढ़ सकती हो? एंडी, क्या आप मुझे अडॉप्ट करना चाहती हैं? हाँ, मैं तैयार हूँ। रुको रुको रुको, स्वीट्स खाने में इतनी जल्दबाजी मत करो। पहले मैं तुम्हें नया रूम दिखाती हूँ। वाह, मेरा अपना रूम होगा। देखना चाहोगी? हाँ बिल्कुल, देखना चाहूँगी। चलो जल्दी से चलते हैं। तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा। वाउज़ा, तुम यहाँ रहोगी? वाह, ये बहुत बढ़िया है। सब कुछ पिंक पिंक और मुलायम बेड भी है। मैं हमेशा से यही चाहती थी। शुक्रिया मॉम, ये तो भूल ही गई थी। ये लो तुम्हारा कैंडी आउटफिट। बहुत बढ़िया है। अब मैं असली प्रिंसेस लग रही हूँ। मॉम, क्या मैं आपसे गले मिल सकती हूँ? अभी रुक जाओ, अभी कुछ और भी है। बधाई हो, अब से तुम ऑफिशियली कैंडी प्रिंसेस हो। सपने सच में पूरे होते हैं। मॉम, हम स्वीट्स कब खाएंगे? जल्द ही। साफ सफाई करना सबसे जरूरी है। स्पाई पॉमिनी काम पर लग गई है। जैसे ही वो यहाँ से जाएगा मैं सारी कैंडीज ले लूंगी। तुम मुझे नहीं देख सकते। कैमोफ्लेज एक्टिवेटेड। थोड़ी गंदगी छूट गई थी। शॉप बंद करने का समय हो गया है। कुछ कमाई नहीं हुई पर मुझे बहुत सारे बच्चे मिल गए। मुझे वही चाहिए था। ऐसा लग रहा है जैसे मैं ही असली विलेन हूँ। फिर मिलते हैं। मेरी शॉप। उसे लगता है कि वो बहुत चालाक है। मिस्टीरियस कैंडी ढूंढने के लिए मुझे केन की तरह सोचना होगा। चलो भी पॉमिनी यहाँ नहीं है। ठीक है, तो फिर मैं काउंटर के पीछे देखती हूँ। लगता है कोई आ रहा है। नहीं, मेरा वहम था। उप्स, वो आ रहा है। मैंने शॉप की चाबी कहाँ रख दी? छिपना बंद करो, बाहर आओ। हाँ, चाबी काउंटर के पीछे है। मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। यहीं कहीं होनी चाहिए। बाल बाल बच गई। तो कीज यहाँ है। इस बेचारे को दे देती हूँ। चाबी मिल गई। मैंने तो कहा ही था मैं ढूंढ लूंगा। बाल बाल बची। 1 सेकंड रुको, ये कब से यहीं रखी थी?
लगता है मुझे इसे टेस्ट करना होगा, तभी मैं कैंडी किंगडम में जा पाऊंगी और उस लड़की को बचा पाऊंगी। ये काम कर गया, इतना भी बुरा नहीं है। लगता है मैं सही जगह आ गई हूँ। इस कैंडी की मदद से मैं जल्द ही उसे ढूंढ लूंगी। कोई आ रहा है, मैं छुप जाती हूँ। मम्मी कुछ खाने के लिए लेकर आएंगी। लगता है यहाँ कोई नहीं है। मैं इस ड्रेस से तंग आ गई हूँ, बहुत ज्यादा पिंक है। अब मैं और ये नहीं पहन सकती। आब्राकडाब्रा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, कैंडी प्रिंसेस असल में एक विच है। अब बेहतर है, मैं स्वीट्स के अलावा कुछ भी खा सकती हूँ। छोटे बच्चे मुझे बहुत पसंद है। इसे कच्चा खाऊं या पका कर खाऊं, यही तो उलझन है। कुछ भी हो, लेकिन ये नहीं, हमें जल्द से जल्द इस लड़की को बचाना होगा। उप्स, वहाँ कौन है? चुपचाप बाहर आ जाओ। मुझे यहाँ से किसी इंसान की खुशबू आ रही है। मेरा अंदाजा कभी गलत नहीं होता। पकड़ लिया। सबूत से पता चलता है कि यहाँ कोई बच्चा आया था। शिकार खुद ही शिकार के पास आ गया। तुम कहाँ हो? पकड़ी गई। मैं भी बेवकूफ हूँ, कैंडी वहीं भूल गई। हे, मुझे कुछ सुनाई दे रहा है या बस मेरा वहम था? मुझे घबराहट हो रही है। नन्ही एम्बर को थोड़ा बड़ा करने की जरूरत है। चलो देखते हैं। उसके लिए कुछ हाई कैलोरीज वाली चीज ले जाती हूँ। चॉकलेट केक बिल्कुल सही रहेगा। ये सब खाकर बड़ी हो जाओ मेरी बच्ची। मम्मी आ रही है, कुछ करना होगा। वो बुरी विच उस बच्ची को खा जाएगी। मुझे चॉकलेट केक खाना है। खाने का समय हो गया है। सपने सच होते हैं। स्वीटी, क्यों ना तुम पूरा केक खा लो। क्या ये पूरा मेरे लिए है? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। और ये तो बस शुरुआत है, इसके बाद वाली ट्रीट इससे भी ज्यादा बड़ी है। आप सबसे अच्छी मॉमी है। खाओ खाओ, रुको मत, बहुत अच्छे। ओ नहीं, अगर ये इतना खाएगी तो एक हफ्ते में 100 किलो वजन बढ़ जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। मैं समझ गई, वो केक सबसे स्वादिष्ट था। क्या मुझे एक और छोटा पीस मिल सकता है प्लीज? बहादुर बच्ची, मैं अभी लेकर आती हूँ। पर यंग लेडी, जरा खुद को देखो, तुम पर चॉकलेट लग गई है। तो क्या हुआ, थोड़ी सी गंदी ही तो हुई हूँ, ये नहीं चलेगा। गंदी बच्ची, इसे साफ करना होगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। एक असली प्रिंसेस को हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। ये डक देख रही हो, उसके पास जाओ, थोड़ा पानी से खेलने का समय है। क्वैक क्वैक, किसका इंतजार कर रही हो? जाओ नहा लो। क्या बाद में करूँ? क्या, मैंने कहा जाओ। ठीक है, मैं अभी नहा लेती हूँ। समझदार हो, ये लो वॉश क्लोथ, साफ कर लो। मुझे पानी से एलर्जी है। खैर, मॉमी के लिए करना पड़ता है। मॉम, अब मैं बिल्कुल साफ हूँ। देखो, बहुत बढ़िया। स्वीटी, अब सोने का समय हो गया है। तुम जितनी जल्दी सोओगी उतनी ही जल्दी कल आएगा। सो जाऊं? क्यों ना मैं घर चली जाऊं? तुम कहाँ जाने की सोच रही हो? जल्दी से यहाँ आकर सो जाओ। ठीक है। रुको, पहले अपने दांतों को ब्रश करो, बाद में करूंगी। नहीं, अभी करो। करती हूँ। और अपने कपड़े बदलना मत भूलना। ठीक है, देखना मत। बुरा हुआ, बुरी विच उसे सुला कर खुद उसे खाना चाहती है। ओ नहीं डार्लिंग, तुम्हारा काम पूरा नहीं होगा। एक आइडिया है, जैसे ही विच जाएगी मैं बच्चे को उठा दूंगा। बाल बाल बच गई। आ जाओ, अब तुम सो सकती हो। कहानी सुने बिना मुझे नींद नहीं आती है। ठीक है, सुनाती हूँ। एक समय की बात है, दूर किंगडम में शेख नाम का एक बड़ा इंसान रहता था। मुझे घर जाना है। एम्बर, उठो, तुम कौन हो? मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने में मदद करूंगी। ये फियोना टार पर बैठी हुई थी और वहाँ एक ड्रैगन भी था। मेरे पीछे आओ विलेन। बाल बाल बच गए। ये हम बच निकले। ये अभी नहीं, सीक्रेट कैंडी के बिना हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। हम क्या करेंगे, हम
हम उसे कैसे हराएंगे? चलो एक टीम बनाते हैं, एवेंजर्स की तरह। क्या ख्याल है? मैं तैयार हूँ। हाई फाइव। एक साथ हम स्ट्रॉन्ग हैं। कोई हमें रोक नहीं सकता। हम विलन को चुटकियों में हरा देंगे। बस एक मिनट और सभी चीजें तैयार हैं। माफ करना, प्रिंसेस की कहानी खत्म होने वाली है। भेस बदल लेना ही ठीक रहेगा। देखो मैं किटी हूँ। म्याऊ। जरा इस कैनन को देखो। बैंग बैंग। विच आसानी से हार जाएगी। और इसके बारे में क्या ख्याल है? यमी है। वैसे मेरे पास एक प्लान है। जरा इसे देखो। हमें उसे लालच देना होगा। शायद केक सही रहेगा। जब प्रिंसेस हमारे जाल में फंस जाएगी, हम उसे हर तरह से घेर लेंगे। और ये रहा केक। स्वादिष्ट लग रहा है। चलो काम शुरू करते हैं। केक को बॉक्स में ढक दो। इस स्टिक की मदद से खड़ा कर दो। हो गया। अब रोप लगा दो। ये क्रस्टी की तरह टाइट होनी चाहिए। मुझे देखने दो। बढ़िया। और बिल्कुल टाइट है। बहुत अच्छा। हम दूसरी तरफ हैमर बांधेंगे। हो गया। कैनन में फायरी बुलेट्स भर देती हूँ। लाइट सेट कर देती हूँ। बढ़िया। हे दोस्तों, कमेंट्स में बताएं ज्यादा कूल कौन है, पॉमिनी या फिर कैंडी प्रिंसेस? क्या तुम तैयार हो? हाँ। हे कैंडी प्रिंसेस, हम यहाँ हैं। ये आवाज कहाँ से आ रही है? एक सेकंड रुको, वो लड़की कहाँ गई? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। क्या वो भाग गई? तुम मुझसे बचकर भाग नहीं सकती। लड़की के साथ कोई और भी है और वो यहीं कहीं आसपास है। केक बॉक्स से ट्रैप बनाया है। क्या सच में? तुम्हें क्या लगा मैं फंस जाऊंगी? बहुत हुआ, मैं बहुत तेज तरार और होशियार हूँ। मुझे स्वीट बहुत पसंद है। कितना अजीब स्वाद है। सॉल्ट, सॉल्टी। केक में पिकल्स कब से डलने लगे? हेउ, गंदा है। बस फंस गई। हाँ। ये बहुत बेकार है। हाँ, बहुत ही बेकार है। केक में तुम्हें पिकल का बदला चुकाना होगा। और ये क्या है? जानने के लिए गिनती करो। तीन, दो, एक। हाँ, हाँ, आउच। चलो बाहर निकलो। ठीक है, रुको। पॉमिनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हे, स्वीट लोगी या सॉर? ये गर्म है। पानी, मुझे पानी दो। जल्दी मेरी मदद करो। ये लो। मुझे लैंप क्यों दे रही हो? मैं जल रही हूँ। और ये रही सीक्रेट कैंडी। इसे बंद करो, मैं पिघल रही हूँ। क्या ऐसा होना चाहिए था? पता नहीं, छिप जाओ। वो, हाय, बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मुझे इविल विच स्पेल से बाहर निकाल दिया। असल में मैं अच्छी हूँ। मुझे तुम दोनों से गले मिलने दो। बहुत टाइट है मेरी गर्दन। उप्स, माफ करना। अब तुम्हारे घर जाने का समय हो गया है। गुड बाय लड़कियों, तुम लोगों के साथ मजा आया। मुझे उसकी याद आएगी। आखिरकार तुम मिल गई। रो मत बेबी, मॉमी यही है। जल्दी से कुछ करो। सो जाओ बेबी, सो जाओ। हे किडो, कैंडी चाहिए? इसे तुम्हारी कैंडी नहीं चाहिए, समझ गई? चुप हो जाओ, यहाँ आराम से लेट जाओ, गहरी नींद में सो जाओ। रॉक बाय बेबी ऑन द ट्री टॉप, व्हेन द विंड ब्लोज द क्रैडल विल रॉक। आखिरकार वो सो गया। मैं आपके लिए टी लाई हूँ। ध्यान से, ये गरम है। शांत हो जाओ, तुम बेबी को परेशान कर रहे हो। तुम ध्यान से काम करो, अपने रूम में जाओ। ठीक है, मैं जा रही हूँ। खैर, वो उठ गया। हमेशा की तरह मेरे भाई के पैदा होने के बाद वो मेरा अच्छे से ध्यान नहीं रखते। उन्होंने मुझे कैंडी देना भी बंद कर दिया है और वो मुझ पर बस चिल्लाते और धमकाते हैं। शायद उन्हें मेरी अब कोई जरूरत नहीं है। अब घर से जाने का वक्त आ चुका है। मुझे लगता है कि हम उसे ज्यादा डांटते हैं। चलो अपनी लिटिल गर्ल को प्यार करें। आइलिन, तुम्हारी मॉम और मैं तुम्हें कुछ कहना चाहते हैं। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, तुम्हें पता है। लिटिल बेबीज का अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुमसे प्यार नहीं करते। डायपर बदलने का वक्त हो चुका है, पर मेरा क्या? वो दोबारा मुझे छोड़कर चले गए। मॉमी आ गई। जरा उन छोटे हाथों को तो देखो। भाई को सारी अटेंशन मिलती है। मॉमी, डैडी, ये देखो।
इन मैजिक ट्रिक्स को देखो। मॉमी, क्या मैं सही कर रही हूँ? बिल्कुल, उनके पास करने को और जरूरी काम है, मुझे पता है। मुझे कोई किडनैप करके ले जा रहा है। डैडी, मुझे बचाओ। नहीं आइलन, वो तुम्हें नहीं सुन सकते। क्या सच में? क्या होगा अगर हमारे घर पर सच में एक चोर आ जाए तो? बस बहुत हुआ, बैग्स पैक करने का टाइम आ चुका है। मैं सिर्फ जरूरी चीजें ले जाऊंगी। वाओ, कितना बड़ा सूटकेस है। ये रहा, मुझे ये और ये चाहिए, ये भी काम आएगा। मेरे पास अब सब कुछ है। काश मुझे खाने के लिए लड़ना ना पड़े। मैं एक मिनट के लिए आराम कर लेती हूँ और फिर मैं चली जाऊंगी। ओह हाँ, मैं भूल ही गई थी, मुझे जल्दी अपने लिए नए पेरेंट्स ढूंढने होंगे। तो अब मैं तैयार हूँ। मेरा छोटा प्यारा बच्चा बिल्कुल अपने फादर पर गया है। मॉम, डैड, मैं जा रही हूँ। ठीक है, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। ये स्माइल कर रहा है, क्या मैं रुक जाऊँ? वैसे भी कोई नहीं चाहता कि मैं यहाँ पर रहूँ। मॉमी को देखो, ये जगह नए पेरेंट्स ढूंढने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। चलो, शर्माओ मत। क्या आप मेरी मॉम बनना चाहोगी? नहीं, शायद आपको बच्चे की जरूरत हो, ये फ्री है। नहीं, मुझे नहीं लगता। मॉमी, डैडी, चलो कॉफी पीने चलते हैं। क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? नहीं, ठीक है। हो, हो, हो। तुम इतनी उदास क्यों हो? तुम्हें किसने परेशान किया है या फिर कोई सीक्रेट है? तुम मुझे डरा रहे हो। एक बढ़िया ट्रिक देखना चाहोगी? देखो, ये रहा कॉइन, आबरा का डाबरा। देखो जल्दी। वाओ, तुम तो जादूगर हो। और भी है, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा नया डैड बनूं? बिल्कुल हाँ, मैं चाहती हूँ। शानदार, मेरे साथ चलो। वो कहाँ चला गया? क्या मुझे दोबारा फैमिली ढूंढनी पड़ेगी? माफ करना, मैं तुम्हें भूल ही गया था। अब चलो चले। तैयार हो? हाँ डैड। चिल्लाओ मत, ठीक है? वो शांत हो गया। वाओ, बढ़िया थ्रो थी, मैंने पकड़ लिया। ये क्या है? शायद जैक्स को पता होगा। क्या तुम्हें पता है कि ये किसका है? नहीं, मुझे नहीं पता। जरूर ये आइलैंड का होगा। आइलैंड, ये अजीब है, शायद वो सो रही होगी। चलो उसके रूम में चलते हैं। आइलिन, आइलिन, वो यहाँ पर नहीं है। हमारी बेटी, वो चली गई है। इतनी चिंता मत करो, हम उसे ढूंढ लेंगे। शायद वो अपनी दोस्त के साथ होगी या फिर हाउसकीपर के साथ दोबारा हाइड एंड सीक खेल रही होगी। चलो 5 सेकंड तक इंतजार करते हैं और फिर उसे ढूंढने चलते हैं। हम अभी जाएंगे। रुको, किसी को तो लिटिल टोनी का ध्यान रखना पड़ेगा। फिर मैं रुक जाती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, डैडी जल्दी ही वापस आएंगे। पॉमनी, तुम ये कर सकती हो। बाय, गुड लक। घर के चारों तरफ बहुत सारे क्रोकोडाइल्स हैं। मुझे चिंता हो रही है। ओह, वो दोबारा जाग गया। टोनी, मॉमी यहाँ पर है। क्या तुम्हें भूख लगी है या फिर डायपर बदलने का टाइम हो चुका है? चलो सो जाओ, खैर वीडियो के लाइफ हैक्स काम आएंगे। क्या तुम अभी भी जाग रहे हो? मैं समझ गई, हम असली चीज करते हैं। फनी फेसेस बनाने में मैं माहिर हूँ। ये एलिमेंट है और ये बेयर है। देखो तुम्हारे पसंदीदा टॉयज, क्राई बेबी और लाफिंग पाल। ठीक है, परफॉर्मेंस खत्म हुई। चलो मैं तुम्हें लोरी सुनाती हूँ। इधर आओ, अपनी आंखें बंद करो। रॉक बाय बेबी ऑन द ट्री टॉप, व्हेन द विंड ब्लोज द क्रेडल विल रॉक। रॉक बाय बेबी ऑन द ट्री टॉप, when the wind blows the cradle will rock. Rock bye baby on the treetop, when the wind blows the cradle will rock. When the wind blows the cradle will rock. ये आखिरकार सो ही गया। चलो तो मैं बेड पर लिटा देती हूँ। ये लो, छोटे बच्चे कितने प्यारे होते हैं। आइलिन, आइलिन, ये बुरा है, वो यहाँ पर नहीं है। दोस्तों, क्या आपने देखा है कि मेरी बेटी कहाँ पर है? कमेंट्स में लिखकर बताएं। मुझे कुछ मिला है,
ये तो आइलिन का ग्लव है, वो यहीं कहीं आसपास होगी। शानदार डिजिटल सर्कस, अजीब जगह लग रही है, मुझे देखना होगा। आउच, वाओ, ये क्या था? एक और बार ट्राई करता हूँ। आउच, मेरा सर। वो यहाँ पर नहीं है, मैं आइस डेजर्ट में गया, फिर एक मामूली डेजर्ट में गया, क्लिफ से भी छलांग लगाई, वुल्फ से भी बचकर भागा, पर मुझे मेरी बेटी नहीं मिली। मैं कैसा फादर हूँ? तुम्हारा नया घर ये सुंदर है, चलो मैं तुम्हें मैजिक सिखाता हूँ। वाओ, हमें पहली ट्रिक के लिए हार्ट की जरूरत है, इसके अंदर कुछ नहीं है। हाँ, खाली है। आबरा का डाबरा, अटेंशन, ये खतरनाक ट्रिक है, ये कुछ भी हो सकता है, ये भयानक है। टडा, वाओ जी, अब मेरी बारी, चलो करके दिखाओ। अंदर कुछ तो है, मैं निकालने की कोशिश कर रही हूँ। ओह खैर, फरी स्नेक, देख लिया, मजेदार है। ये कुछ बढ़िया है, कुछ भारी, ठंडा, ये असली सोना है। गोल्ड किसे चाहिए, इसे फेंक दो। ठीक है, और क्या है? वाओ, ये मैंने म्यूजियम में देखा था। हेलो, मुझे चीज बर्गर और फ्राइज चाहिए। क्या पुलिस बात कर रही है? इस बार जरूर कुछ काम की चीज निकलेगी। गंदी और स्लिपरी, लगता है कि आँख है, ये सच में एक आँख है। इसे मुझे दो। माफ करना डैड। खैर, तुम बहुत बुरी मजीशन हो, तुमने तो मुझे अंधा ही कर दिया था। अब बेहतर है, मेरी हार्ट मुझे वापस करो। डैड तुम्हें दिखाते हैं कि इसे कैसे करना है। पकड़ लिया, ये लो, ये तुम्हारे लिए है। यहाँ सफाई करो, और मेरे पास करने के लिए और जरूरी काम है। तुम किसका इंतजार कर रही हो? साफ करो, कितने बुरे हैं। यहाँ से बाहर निकलने का वक्त आ चुका है, चुपचाप निकल जाती हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? यहाँ वापस आओ। मैं बस, कोई बहाने नहीं चलेंगे, अब तुम मेरी बेटी हो, तुम वही करोगी जो मैं तुमसे करने के लिए कहूँगा। इसे देखो, मेरे दांतों को बढ़िया ब्रशिंग की जरूरत है, कितने गंदे हैं। तुमने क्या कहा? मुझे वॉमिट आ रही है। मैं आपको फ्रेशनर दूंगी। तुमने यहाँ एक मिस कर दिया, मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा, मुझे पता है। रॉक बाय बेबी ऑन द ट्री टॉप, When the wind blows, the cradle will rock. मुझे नींद आ रही है। When the wind blows, the cradle will rock. Sweet dreams. Wow, मैंने ऐसे खराटे कभी नहीं सुने। बेचारे neighbors. Exit ये रही। ध्यान से, please आवाज मत करना। मैं बाहर आ चुकी हूँ। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पर सब कुछ enchanted है। रुको, उसका staff. ये काम आ सकता है। मैं हैरी पॉटर नहीं हूँ, पर मैं फिर भी जादू कर सकती हूँ। मुझे मिल गया आबरा का डाबरा। मुझे इतना स्पाइसी टाको नहीं खाना चाहिए था। ओप्स, मुझे स्टाफ से जादू करना होगा। आबरा का डाबरा, लगता है कि ये पुराना है। क्या आपको मैजिक देखना है? फिर आपको हमें 5000 लाइक्स तक पहुँचाना होगा। वाओ, आपने जल्दी कर दिया, शुक्रिया, आप बेस्ट है। आबरा का डाबरा, मुझे पिकल्स पसंद है, ये लो, मुझे दो। ये मेरी डॉटर है, क्या तुमने इसे देखा है? नहीं, चलो चलते हैं। इतनी जल्दी किस बात की है? क्या तुमने मेरी बेटी को देखा है? वो रही डैडी। आइलिन, तुम कहाँ थी? खैर, मैं वॉक पर गई थी। आ जाओ, मैं तुम्हें घर लेकर चलता हूँ। कितनी अच्छी फैमिली है, उन्हें गए हुए 5 मिनट हो गए हैं। 911 पर कॉल करने का टाइम आ गया है। हम आ गए। हाय मॉम, इधर आओ, अपनी मम्मी से गले मिलो। माफ करना, हमने तुम्हारा अच्छे से ध्यान नहीं रखा था। आपके पास कितने काम थे, अपने भाई के पास जाओ। ये कितना प्यारा है, क्या मैं इसे पकड़ सकती हूँ? ठीक है, बस ध्यान से पकड़ना, ये भारी है। हमारे बच्चे कितने अच्छे हैं। परेशानी के लिए माफ करना दोस्तों, तुम कौन हो? देखो, 6 फुट बनाना, इसमें हंसने की क्या बात है? ओह तुम, अब बेहतर है। मुझे तुम्हें बताते हुए दुख हो रहा है कि ये मेरी बेटी है, तुम्हारे सपनों में, ये सच है, उसने माना था।
लेडीज पीछे हट जाओ, अब इस बुरे इंसान को सबक सिखाने का वक्त आ चुका है। क्या तुम यही चाहते हो? ठीक है चलो फाइट करते हैं। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? हमला करो। फाइटर्स तैयार हो जाओ, पहला राउंड। उसने मुझे आंख मारी, क्या मैं हार मान सकता हूँ? खुद को बचाओ, स्टाफ से कैसे बचोगे? ओप्स, ये मैंने क्या कर दिया? मत देखो, ये बहुत बुरा हुआ, उन्होंने बेबी को जगा दिया है। हे, क्या तुम शांति से नहीं लड़ सकते? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मारना। दूसरा राउंड। ये क्या है? डेविल का हैंडशेक। अब तुम गए और तुम स्ट्रांग हो, उसे मारो। मुझे जाने दो, मैं हार मानता हूँ। वहीं लेट जाओ, तुम मेरे हीरो हो। डैडी, हमें तुम पर नाज है। ये गलत है, उसके कितने बड़े पॉज थे। माफ करना, मुझे ये उठाना होगा। हेलो, हाँ मैं केन बात कर रहा हूँ। ठीक है मैं अभी आता हूँ, मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। ये सीरियस है और मैं आ गया। शायद तुम ये बता सकते हो कि उन्हें कैसे सुलझाना चाहिए। तुम दोनों को एक एडवेंचर पर जाना चाहिए। अह, हमारे पेट। बधाई हो, ये तुम पर सूट कर रहा है। तुम एक शानदार मॉम बनोगी। ये तुमने क्या किया है? वो अब बहस नहीं करेंगे, धोखेबाज। और हमें इससे निपटना होगा। अल्ट्रासाउंड, चाइल्ड डेवलपमेंट डायग्नोस्टिक। तुम्हारे बाद, मेरी बात मानो, तुम जाओ। चलो इसे अच्छे से सुलझा ले। एक, दो, तीन, तुम पहले जाओ। लेकिन मैं नहीं जाना चाहता। रूल्स ब्रो। ठीक है मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। कोई बात नहीं, चलो इसे खत्म करते हैं। बाय। इंटर्नशिप के बाद मेरा पहला दिन, उम्मीद है कि सब कुछ ठीक से हो जाएगा। ओप्स, मेरे ग्लासेस कहाँ गए? मुझे कुछ नहीं दिख रहा। काउच पर बैठो। क्या एक रूट वेजिटेबल? हमने ट्रेनिंग में कवर नहीं किया। क्लासिक जैक, कुछ सीरियस होने वाला है। अब तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने लंच में क्या खाया था। प्लीज इक्विपमेंट मत तोड़ो। ओप्स, जोकर, ये कैसे करते हैं? पहली बार किसी लिविंग बीइंग पर अल्ट्रासाउंड कर रही हूँ। ओह, गुदगुदी हो रही है। मैं इतनी नर्वस क्यों हूँ? शरारती हैंड। तुम्हें एग्जामिन करना होगा। सांस अंदर लो, सांस मत लो, सांस अंदर लो, सांस मत लो। मेरे पास बुरी खबर है सर, तुम मर गए हो। ठीक है ठीक है, कोई मजाक नहीं। समझ गया, वो टीवी पर क्या दिखा रहे हैं? ये लड़की क्यूट है, सब कुछ मॉम जैसा है। ओह, अजीब फीलिंग्स है। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा मेरी जान। शुक्रिया डॉक्टर। बधाई हो। फिर मैं डैड बनूंगा, ये मजेदार है। शुक्रिया डॉक्टर, कितना बढ़िया रैबिट है। ओह चलो भी, पागल मत बनो, तुम सबसे अच्छी हो। बाय बाय। एडम्स फैमिली अपनी बारी का इंतजार कर रही है। तो बच्चा मेरे जैसा है। ब्रो, क्या ये डरावना है? बिल्कुल नहीं, ये अच्छा है। तुम अपने छोटे बच्चे को सीधे टीवी पर देख रहे हो। ओप्स, हाथ कहाँ है? क्या है? अजीब है। देखो, तुम्हारे हैंड की अपनी एक जिंदगी है। डाउट है कि हम गड़बड़ कर रहे हैं। यही है। रुको, इधर उधर मत भागो। मैं अब समझ गया, बाहर आओ। ये थिंग है, मजाक के लिए अच्छा समय नहीं है। फिर पूरा सेट, बहुत हो गया। तुम पकड़े गए, तुम ब्रेव बनो, तुम अपने बच्चे से मिलोगे। तुमने मेरा ध्यान अपनी ओर कर लिया, तो आओ भागो। क्लाउड, कैरेट खाने का मन हो रहा है, चलो कुछ खाएं। ग्लासेस पर फिर से फॉग आ गई। ओह, तुम कहाँ हो? हेलो डॉक्टर, लेंस लगाने होंगे। यहाँ कौन है? अंदर आओ। तो शायद काउच पर। गुड डे, हम एक साथ आए हैं। बहुत बढ़िया, बस मुझे मेरा चश्मा ढूंढने दो। वो ये रहा, इन पर इलास्टिक लगा लो, मेरा विश्वास करो। खैर, क्या तुम देख सकते हो? अब मैं देख सकती हूँ।
स्टैंड। थिंग अपने मजे कर रहा है। मुझे कब तक इंतजार करना होगा? काम नहीं कर रहा, लेकिन स्ट्रेस है। मुझे जाने दो, तुम बेवकूफ हो। लैम्प, क्या तुमने देखा? गुस्सा मत करो, वो कुछ नहीं करेगा। शायद स्मेल नहीं आ रही। हम अल्ट्रासाउंड करेंगे और पता लगाएंगे। स्पाइडर, चलो, ये मेरा पेट है। फ्लफी, घर जाओ, हम जल्द ही डैड के साथ आ जाएंगे। मुझे इन क्रीचर से बहुत डर लगता है। बहुत अजीब है, पल्स नहीं चल रही, हार्ट भी नहीं काम कर रहा। मैंने कहा था ना, तुम हार गए। शुक्रिया डैडी। ओप्स, माफ करना डॉक्टर।